गाजीपुर से दिनेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह का दावा, निकल रहा है खोखला, आए दिन जिले में हो रही है हत्याएं। मरदह थाना क्षेत्र के बिरनो ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लहुरापुर के प्रधान पति संतोष कुमार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना शाम 5 बजे के आसपास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर कम उम्र के और दुबले पतले कटकाठी के थे। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार कितनी जल्दी इन अज्ञात हत्यारों को गिरफ्तार करती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की दुरुस्त व्यवस्था का दावा करने वाले पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के दावा करने के बाद भी हो रही है जिले में हत्याएं। अल्पाई एक्सप्रेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से, बिरनो ब्लॉक के अंतर्गत लहुरापुर गांव में हम पहुंचे हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद लोगों की समस्या सुनने के बाद दिल दहल जाता है। लोग एक दूसरे को देख के जलने में परेशान हैं। जानवर तो जानवर समझदार होता है, लेकिन इंसान समझदार नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, आज आपको हम ले चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास, जो लहुरापुर गांव के वर्तमान में प्रधान पद पर थे, और उनका नाम बताया जा रहा है संतोष कुमार जी। और उनको कल के डेट में शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ में पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद है, और ग्रामीण भी लोग मौजूद है, और उस पीड़ित परिवार के भी लोग मौजूद है। हम आपको बातचीत करवाते हैं और जानते हैं इस मामले का खुलासा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आइए चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास में मौजूद, पर जिस समय गोली चली थी उस समय उस परिवार के लड़की वहां पर मौजूद थी, तो उससे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वो जो प्रधान जी के ऊपर इतनी खतरनाक भयावह रूप से जो हमला किए हैं, क्या उन्हें वो पहचानती है, पहचानने में सफल हो पाई या नहीं हो पाई, इसका खुलासा हम करते हैं। तब तक के लिए आप चलते रहिए हमारे साथ में और पहुँचते हैं उनके पास जिन्होंने प्रेजेंटाइज वहाँ पर मौजूद थी। जी, आपका शुभ नाम जी। जिस समय गोली चली थी तो क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? तो कितने लोग थे? दो लोग। क्या मतलब, फोर व्हीलर थे या टू व्हीलर थे? टू व्हीलर से थे। तो उनका जो चेहरा था वो खुला हुआ था या नकाब पहने थे, कैसे थे? सारे चेहरे ढके थे, यहाँ तक सिंगल मुंह सब। तो आप क्या उनको पहचानने में सक्षम हो पाई? जी नहीं। तो उनके प्रधान जी के साथ में थी या कुछ दूरी पर थी? हम उनके कुछ दूरी पर। जी, तो और कुछ जो है कि आपको उनके बारे में कुछ मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं, कैसे हैं लोग, कैसे नहीं? मतलब वो अगर पतले थे, उतने हाइट भी नहीं थी और ज्यादा उम्र के भी नहीं थे। अगर उस तरह से हमारे सामने फिर वो कभी आ गए तो हम पहचान सकते जिस तरह से वो थे। तो उनका जो टू व्हीलर की गाड़ी थी, उनका जो पीछे का नंबर का प्लेट लगा हुआ होता है, तो क्या आप उनके नंबर को पहचान पाई? जी, नंबर हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो जो फायरिंग करा था वो प्लेट के नंबर की तरफ खड़ा था। प्लेट के नंबर के पीछे खड़ा था? जी 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 जी। आप ये हमारे साथ में और भी यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। चलिए आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मामले के विषय में क्या वो भी इस मामले में कुछ बता पाते हैं या नहीं। जी, आपका शुभ नाम सर? अमरेश कुमार जी। ये जो घटना कल के बीच में हुई है, इसके विषय में कुछ आप मतलब बता सकते? मैं सर शाम को कोचिंग पढ़ा था। जी जी जी। तो प्रधान जी से मतलब पहले कभी किसी से रंजिश या फिर इसके बारे में तो हम नहीं जानते? जी जी जी, अगले कड़ी में हाँ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। कैमरा मैन करिए। आपने देखा अपनी नजर से और उनकी जुबानी बात भी सुनी, लड़की मौजूद थी मौके पर, लेकिन उनको दरिंदों को पहचानने में सफल नहीं हो पाई। सवाल इस बात का है कि गाजीपुर के एसपी साहब का कहना है कि जो त्यौहार है दीपावली है, उसको मद्देनजर रखते हुए और पुलिस कर्मचारियों को चप्पे चप्पे पर ड्यूटी लगाई जा रही है, फिर भी गाजीपुर जिले में आज हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? और सवाल इस बात का है, समझने की बात है कि पुलिस प्रशासन इस पीड़ित परिवार को मरदह थाना के क्या इनको सहयोग करने में सक्षम हो पा रही है नहीं, इसके लिए हम आपको अगले कड़ी में फिर इनसे बातचीत करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के साथ में। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद। तो चप्पे चप्पे पे हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था कर रखी है, आप देख ही रहे हैं। और आज हमने जिला मजिस्ट्रेट साहब ने पैदल भ्रमण करके
इसकी व्यवस्थाएं चेक की हैं, देखा है कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई गंदगी हो या सुरक्षा में कहीं कोई कमी हो, कैसे ये सारे त्यौहार संपन्न होंगे, इसी लिए ये आज पैदल भ्रमण करके एक एक स्थान को देखा गया और लोगों को बताया गया और एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और पूरे जनपद में यही व्यवस्था है और अच्छे और सुरक्षित माहौल में सारे त्यौहार जो आने वाले।